जय हिंद ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर कैडेट्स। तो हम जब भी पहली बार बेल्ट आते हैं और ये लेदर बेल्ट, तो हमको पता नहीं होता कि कैसे लगाना है। तो आपको जब भी नया बेल्ट आओगे तो ये पूरे पुर्जे उसके अलग अलग होंगे। आज कैसे पूरा बेल्ट बनाना है लेदर बेल्ट, वो मैं आप आज को इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हमको ये अंदर की और ये बाहर की तरफ रखना है, इस तरह से याद रखना। और यहाँ से हमको यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। इतना काम कर दिया, उसके बाद ये जो आखिरी छोर है इसको यहाँ से ले जाना है और खींच देना है। ये एक साइड से आपका बेल्ट कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका आधा बेल्ट तैयार हो चुका है। यहाँ से आपको टाइट खींच देना है और ये वाला पोर्शन इसको दबा के रखना है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जब बेल्ट लगाते हो तो आपको ये चुभे ना, इससे वजह से ये दिया जाता है। तो इसको आप अंदर लगा के रखना है। अब आगे क्या करना है, ये वाली कड़ी हो गई, ये याद रखना अंदर की ओर रखना है इसको, और इसको ऐसे लगा लेना है। ये पहली हो गई, उसके बाद ये दो ब्लैक याद रखना ये, और इसको ये अंदर की साइड रखना है, ना कि ऊपर की साइड। जो अंदर की साइड रहेगा ये उसको अंदर रखना है ये वाला, और ये वाला बाहर रहेगा। तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं, ये याद रखना है ये अंदर रखना है। ये हो गई दो, उसके बाद ये लास्ट वाली कड़ी लगानी है, इसको भी ये अंदर की साइड रहेगी और ये उभरा हुआ भाग बाहर रहेगा जिसके आप वो हुक लगेगा वो। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब आप जिस जितनी आपकी साइज हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ला देना है, ऐसे इतना कर दिया। उसके बाद ये वाला जो एक लेदर का था वो कड़ी ये यहाँ से ले जाना है, यहाँ पे इसे खींच देना है। जितना आपका साइज हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है इसको। ये ला दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब इतना बचा तो आपको इसको ऊपर ले जाना है, उसके बाद ये वाली कड़ी ला देनी है। इतना काम हो गया, उसके बाद जो ये लास्ट वाली कड़ी थी नीचे इसको आपको अंदर ला देना है, और ये वाला पोर्शन है इसको ये अंदर लगा देना है इसके अंदर, ठीक है। और ये अंदर वाली कड़ी थी जो ये आप देख सकते हो अंदर वाली कड़ी, वो इसको यहाँ पे लगा लेना है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना हो गया, ये दबा दिया आपने, उसके बाद ये कर्ली लगा दिया आपने यहाँ तक, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट बेल्ट रेडी हो गया, और इसको इस तरह से आपको इस तरह से कुछ लगा देना है। ये आपका बेल्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लेदर बेल्ट कंप्लीट हो गया, ये रेडी हो गया। अगर आपको इसकी साइज कम ज़्यादा करनी हो अपनी साइज के हिसाब से तो याद रखना है, ये खोला और यहाँ से इसको पीछे लिया, ठीक है। उसके बाद इस वाली तो ये वाला पोर्शन था उसको भी पीछे लेना है। ये कम ज़्यादा करना हो तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो, कम करना है, ज़्यादा करना है तो इस तरह से आगे पीछे करके वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जितनी आपकी कमर की साइज़ हो। उसके बाद इसको वापस से लगा देना है, इसको भी जो प्रोसीजर पहले बताया था वही सेम टू सेम, कड़ी को ला के ये वाला हो गया, उसके बाद इसको लगा देना है। ये आपका बेल्ट रेडी है।